हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश, यूट्यूब चैनल लेसन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे परसेंटेज और अब आपको क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो गए होंगे। बिल्कुल, मतलब पहले तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिलेक्शन क्लासेस। ये हमारा टेलीग्राम चलना है, वहाँ पे आप जाके तो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो गए होंगे परसेंटेज के। ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको वीडियो से पहले मिलेंगे। जैसे मेरा वीडियो आ चुका होगा तो ध्यान रखना, आपको वीडियो से पहले आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पहले आपको खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मेरा वीडियो देख लेना, आपको वहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा। बट हाँ, क्वेश्चन आपको पहले खुद सोल्व करके ही आपको वीडियो देखना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। एक बार और बता देता हूँ, आप इस टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर हो जाना, क्योंकि जो भी कोई मेरा वाइस स्टूडेंट, अगर किसके सेंट्रल लेवल में किसकी इंग्लिश अगर उसके एग्ज़ाम में आती है, तो इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो कहीं भी, अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं मिलती है, कोई बच्चा गांव से होगा तो वहाँ पे न्यूज़पेपर की व्यवस्था नहीं होती है इंग्लिश की। तो क्या होता है कि वहाँ पे अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं मिलती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको एक तो मिल जाएगा द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस मिल जाएगा, ठीक है आपको, और मिल जाएगा आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया। द हिंदू शायद नहीं मिलता होगा, क्योंकि द हिंदू में कॉपीराइट का इश्यू रहता है, इसलिए यहाँ पे द हिंदू नहीं डालते हैं। बट हाँ, ध्यान रखना, ये आपके दो पेपर है वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और अगर आप सिलेक्शन क्लासेस में नहीं हो तो नीचे एक लाल वाला कुछ लिखा हुआ है लाल अक्षरों में, उसे प्रेस करके, जो उसके पास में घंटे वाला बटन है उसे भी आपको प्रेस कर देना है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे पास और फेल परसेंटेज की। जैसे आपने नाम सुना होगा कभी वेन डायग्राम या वेन आरेख। जैसे मान लो कि आपने कभी क्वेश्चन देखा होगा, अगर आपने कभी भी मैथ पढ़ी हो तो, कि 70% इंग्लिश में पास हुए, या फिर मान लो कि 60% किस में पास हुए, वो मैथ में पास हुए, और कुल का मतलब कुछ भी दिया होगा, आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे कि फेल का इतना परसेंटेज वो नंबर है, मान लो 200 नंबर कोई 300 कुछ भी दिया होगा आपको, और पूछा होगा कि उसमें कुल कितने स्टूडेंट थे, ठीक है। ये इससे क्वेश्चन आ जाते हैं बेसिकली, तो वही पढ़ेंगे आज। उसके बाद में जो कमीशन वाले क्वेश्चन है, ए बी डिक्रीज वाला है, एलिगेशन वाले क्वेश्चन है, मिश्रण वाले क्वेश्चन है, वो बच जाएंगे, फिर वो हम एक चैप्टर में, एक लेसन में कर लेंगे। उसके बाद हमारा परसेंटेज कंप्लीट है। तो ध्यान दो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम वो पढ़ेंगे, इसे या बोल सकते हो कि पास या फेल परसेंटेज, या बोल सकते हो इसे वेन आरेख, वेन डायग्राम, या इसे बोल सकते हो वेन आरेख। आरेख का मतलब समझ रहे होंगे, कुछ आरेख बनाना है आपको, उसके बाद आपको सॉल्यूशन करना है। ध्यान रखना, एग्जाम में कैसे करना है, वर्बली हम कैसे सोल्व करते हैं, और इसे बेसिक कैसे सोल्व करते हैं आपको सभी बताऊंगा मैं। वेन आरेख कैसे सोल्व करते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको, तो बिल्कुल टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा तरीका आपको एग्जाम में अपनाना है वो बताऊंगा मैं आपको, ध्यान रखना। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। जैसे मान लो कि किसी कक्षा में इंग्लिश में पास होने वाले जो बच्चे हैं, जो मतलब स्टूडेंट है, उनका प्रतिशत मान लिया मैंने 70%। कितना मान लिया मैंने? 70% मान लिया। और मैथ्स में जो स्टूडेंट पास हुए, मैंने प्रतिशत मान लिया उसका 60% मान लिया। और दोनों में बोथ मैथ और इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट का जो प्रतिशत है वो है, माना मैंने 50%। मैंने कितना माना? 50%, ठीक है, जो दोनों में पास हुए हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको कहीं मिल जाते हैं तो कैसे सोल्व करोगे? आपके पास तरीका हो सका, वेन डायग्राम से कर सकते हो आप। एक सेट थोड़ी होती है, आपने कभी, अगर आपने 11 का चैप्टर पढ़ा होगा, या फिर आपने 12 में कभी मैथमेटिक्स आकर रही होगी, तो आपने सेट थोड़ी पढ़ी होगी समुचे वाली, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आपको मिल, वैसे ऐसे तो नहीं मिलेंगे, बट आपको आपने सेट थोड़ी वहाँ पे पढ़ी होगी, ठीक है। तो उसी से कैसे कर सकते हैं और वर्बली कैसे सोल्व कर सकते हैं वो भी देखेंगे हम। इसने कहा कि इंग्लिश में 70% स्टूडेंट पास हुए है, और मैथ्स में कितने प्रतिशत पास हुई है? 60% पास हुए है। इसने बोला है कि मैथ्स में, मैंने माना ये मैथ्स का बनाया, किसका ये? ये है मैथ्स का, ये मैथ्स का है, और ये मैंने बना लिया इंग्लिश का, ठीक है। इसने बोला है कि इंग्लिश में 70% स्टूडेंट पास हुए है, हम केवल पास की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना हम पास की बात कर रहे हैं, जो पास हुए है, फेल की बात नहीं कर रहे हैं। फेल का क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी देखेंगे हम, बट ध्यान दो यहाँ पे,
कि मैथ में कितने, इंग्लिश में कितने परसेंट पास हुए, ये माना कि 70% इंग्लिश में पास हुई है। उसने बोला कि 60, मान लो इतना 60 है और ये 60% किस में पास हुई है, ये मैथ में पास हुई है। ठीक है, इसने बोला बोथ और मैथ और इंग्लिश में कितने प्रतिशत पास हुए, 50% पास हुई है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने एक डायग्राम और बनाया, जैसे यहाँ पे जगह नहीं होगी इसे मैं मिटा देता हूँ, या फिर यहीं शायद यहाँ पर नहीं आएगा ये, जैसे मैंने यहाँ पर इसे छोटा लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। मैंने क्या लिखा, मैंने इंग्लिश में जो पास हुए है वहाँ उसका प्रतिशत है 70%, जो मैथ्स में पास हुई है उनका प्रतिशत मैंने लिखा था 60%। ठीक है, जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास हुए है वो है, मैंने माना था शायद 50%। ओके, इतना सा हमने मान लिया था। मैंने कहा कि इंग्लिश में पास होने वाले का डायग्राम ये है और मैथ्स में पास होने वाले का डायग्राम ये है। उसने ये बोला है कि ये इंग्लिश का है, ये इंग्लिश का है वेन आरेख, ये है हमारा मैथ्स का, ये है हमारा है मैथ्स का। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आया आपको, चलो ठीक है। तब इंग्लिश में बोला है कि 70% लोग पास हुए हैं, 70% लोग पास हुए हैं, और मैथ्स में कितनी हुई, मैथ्स में 60% लोग पास हुए हैं, स्टूडेंट सॉरी लोग गलत बोल रहा हूँ मैं, 70% स्टूडेंट पास हुए हैं और इसमें 60% स्टूडेंट क्या हुए है, वो पास हुए। ठीक है, तो दोनों में पास हुए है वो कितने प्रतिशत स्टूडेंट है, वो है 50% स्टूडेंट। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई है आपको, तब ठीक है। तो ये हमने एक वेन आरेख बना लिया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब ध्यान दो, जैसे ये मान लिया केवल इंग्लिश में पास होने वाले, ये क्या है, ये सभी क्या है, ये इंग्लिश में पास होने वाले, ये क्या है, ये इंग्लिश में पास होने वाले है। ठीक है, और ये क्या है, ये मैथ्स में पास होने वाले, ये क्या है, ये मैथ्स में पास होने वाले। ठीक है, ये क्या है, ये मैथ्स में पास होने वाले, और ये क्या है, ये दोनों में पास होने वाले कितने 50%। मान लो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि जो इंग्लिश में स्टूडेंट पास हुई है, मैंने इसे बोला कि मैं मान लो किसी क्लास में पढ़ा रहा हूँ और मैंने किसका टेस्ट लिया, इंग्लिश और मैथ्स का। ठीक है, तो मेरे सामने रिजल्ट ये आया कि जो इंग्लिश में पास हो रहे थे वो 70% थे, जो मैथ से पास हो रहे थे वो कितने 60% थे, और दोनों में पास हो रहे वो कितने थे 50% थे। मैंने ये कहा कि जो इंग्लिश में पास हुआ है, जो बच्चा इंग्लिश में पास हुआ, जो स्टूडेंट मेरा किस में पास हुआ, इंग्लिश में पास हुआ है, वो बाहर जाओ उनके लिए एक डब्बे में लड्डू है वो लेके आ जाओ। ठीक है, क्या है, लड्डू है वो लेके आ जाओ। तो 70% क्लास के, तो 70% बच्चे वहाँ पे गए, एक एक लड्डू लिया, ठीक है, वो लेके क्लास में बैठ गए। फिर मैंने ये बोला कि जो मैथ्स में पास होने वाले जो 60% बच्चे हैं, मैथ्स में पास होने वाले जो 60% बच्चे हैं, वो बाहर जाओ, आपके एक डब्बे में बर्फ़ी पड़ी है, वो बर्फ़ी आप लेके आ जाओ। ठीक है, तो वो 60% जो स्टूडेंट थे वो बाहर गए बर्फ़ी लिए और क्लास में आकर बैठ गए। ठीक है, इसमें से ध्यान दो, लड्डू लेने वाले कौन से थे, लड्डू लेने वाले ये थे, ये क्या लेके आए, ये लड्डू लेके आए, क्या लेके आए, ये लड्डू लेके आए, और ये क्या लेके आए, ये बर्फ़ी लेके आए, ये क्या लेके आए, ये बर्फ़ी लेके आए। ठीक है, अब ध्यान दो ये कौन से है, ये लड्डू वाले है और ये क्या है, बर्फ़ी वाले है। बट मैं कुछ स्टूडेंट की तरफ देखता हूँ तो उनके दोनों हाथों में एक हाथ में लड्डू और एक हाथ में क्या है, बर्फ़ी है। तो वो दोनों कौन से है, जो दोनों दोनों हाथों में वो स्टूडेंट कौन से है, वो स्टूडेंट वो है जो इंग्लिश और मैथ्स में दोनों में पास हुए हैं। वो स्टूडेंट कौन से, वो 50% बच्चे हैं, वो स्टूडेंट है वो कौन से थे, वो थे जो इंग्लिश और मैथ्स में दोनों में पास हुए हैं, जिनके हाथ में लड्डू भी होगा और उनके हाथ में क्या होगा, उनके हाथ में बर्फी भी होगी। तो दोनों में पास होने वाले कौन है, वो है 50%। समझ में आए, दोनों में पास होने वाले कौन से आ गए, चलो ठीक है, पर लड्डू भी खिला दिए हमने, इन्हें बर्फी भी खिला दी। ठीक है, अब ध्यान दो मैं ऐसा लिखता हूँ, अगर मैं ऐसा लिखूं, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वहाँ पे, मैं थोड़े पहले बेसिक समझा देता हूँ उसका। अगर मैं ऐसा लिखूं यहाँ पे मैंने इंग्लिश में पास होने वाले वो कितने थे, इंग्लिश में पास होने वाले थे 70%, और मैं लिखा ओनली इंग्लिश में पास होने वाले, मैंने लिखा ओनली इंग्लिश में पास होने वाले, ठीक, वो कितने हैं यहाँ पे, वो है ओनली इंग्लिश में पास होने, मतलब हुआ जो दोनों में पास हुए हैं उनको घटा दो, और जो बच्चे हैं वो क्या है, वो ओनली इंग्लिश में, मैं बोल रहा हूँ ओनली इंग्लिश में, अगर ओनली इंग्लिश की बात कर रहे हो ना, तो ओनली इंग्लिश में ये इसे हटा दो, ये कितना प्रतिशत बचा,
वो ही ओनली इंग्लिश से पास होने वाले। तो इंग्लिश से पास होने वाले 70 में जो बूथ का है, तो ये क्या है, ये मैथ्स में पास हुआ तो ओनली इंग्लिश से पास होने वाले कितने प्रतिशत मेरे वो रहे स्टूडेंट रहे, वो रहे 20%। कितने रहे वो 20%। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 20% क्या है, ओनली इंग्लिश में पास होने वाले। ये क्या है, ये ओनली इंग्लिश में पास होने वाले। अब ध्यान दो, मैंने यहाँ पे लिखा मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं, कितने प्रतिशत हैं, तो आप बोलोगे मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं, 60%। मैंने कहा ओनली मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं, आप कहोगे ओनली मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं, वो हो गए 50 में से 60 में से 50 घटा दो, ये कितने बचेगा 10%। कितना बचेगा 10%। इतनी बात समझ में आएगी, हाँ तब ठीक है। तो आपको पता चल गया कि इंग्लिश में पास होने वाले, ओनली इंग्लिश में पास होने, मैथ्स में पास होने वाले और ओनली मैथ्स में पास होने वाले। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आएगी तब ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो ओनली मैथ्स में पास होने वाले, ओनली मैथ्स, ये कितने हो गए, ये हो गए 10%। ठीक है, ये 10%। एक तो ये तरीका होता है आपके पास फुल करने का। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बता दूंगा। एक होती है सेट स्टोरी, एक होती है सेट स्टोरी, वो कैसे निकालते हैं, उसमें दिया होता है ए यूनियन बी, ये होता है ए यूनियन बी बराबर होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए यूनियन बी हमें निकालना है कि दोनों में पास कौन से हुए, ध्यान रखना ए इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों कितने पास हुए, दोनों मतलब जो इंग्लिश में पास हुए, जो इसमें पास हुए, जो मैथ्स में पास हुए। ठीक है, और ए और बी उनका प्रतिशत है, इंग्लिश में पास होने वाले, मैथ्स में पास होने वाले, और ये क्या है जो केवल दोनों में पास हुए, दोनों बच्चे जिनके हाथ में बर्फी भी है, जिनके हाथ में क्या है लड्डू भी है, वो क्या है ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपने सेट स्टोरी पढ़ी होगी तो यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब जानते होंगे, इसका जो उच्चारण होता है वो होता है यूनियन और ये होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना इस चीज़ का, वरना कन्फ्यूज हो जाओगे कि सर ने ये यूनियन बताया था या फिर ये इंटरसेक्शन बताया था। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, ध्यान रखो अगर मैं ए यूनियन बी दोनों ही पास होने वाले निकालना चाहूँ तो मेरे को ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो कि 70% जो मेरे यहाँ पे इंग्लिश में ए मैंने माना इंग्लिश, तो 70% किस में पास हुए, वो इंग्लिश में पास हुए, और मैथ्स में कितने पास हुए, मैथ्स में 60% पास हुए, दोनों में कितने पास हुए, दोनों में कितने पास हुए, वो हुए 50%, वो कितने हुए 50%। तो ए यूनियन बी हमारे पास जो दोनों में पास हुए वो कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, ये कितना हो गया 130 में से 50 घटा दो, ये हो जाएंगे क्योंकि 60 और 120 से 30 होते, और ये आगे 80%। तो दोनों में पास होने वाले, सो दो दोनों मतलब यह कि सब जो इंग्लिश में पास हुए और मैथ्स में पास हुए, और जो इंग्लिश में केवल इंग्लिश में पास हुए और केवल मैथ्स में पास हुए वो ले रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना ये सभी ले रहा हूँ, जो इंग्लिश में पास हुए ओनली इंग्लिश में पास हुए, मैथ्स में पास हुए ओनली मैथ्स में पास हुए, वो कितने परसेंट आ गए, वो 80% आ गए, और 20% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में ही पास नहीं हुए, ना तो इंग्लिश में हुए ना मैथ्स में हुए। ठीक है, इससे हम ये कंक्लूजन निकलता है कि ना तो वो इंग्लिश में पास हुए ना ही वो किसमें मैथ्स में पास हुए, 20% बच्चे स्टूडेंट ऐसे है। ठीक है, तो ये हुई हमारी सेट स्टोरी, ये हुई हमारी सेट स्टोरी। तो अब ध्यान दो, अब वेन आरेख से कैसे करेंगे, ध्यान रखना सेट स्टोरी के एग्जांपल में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि इतना समझाया और मैं बोलूंगा कि खुद करने लग जाओगे, ऐसा नहीं है, आपको जो क्वेश्चन आएंगे वहां पे आपको बता दूंगा। अब ध्यान दो 70% है। ठीक है, तो अब इतना सा ध्यान दो कि मैं बोलूं कि टोटल पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, कि मतलब जो इंग्लिश में पास हुए, जो इंग्लिश में पास हुए ओनली इंग्लिश में पास है, और जो मैथ्स ओनली मैथ्स में पास है और दोनों में पास है। ठीक है, ओनली इंग्लिश में पास है, ओनली मैथ्स में पास है और दोनों में पास है। तो ओनली इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं, 20 है, दोनों में पास होने वाले कितने हैं, 50 है, और ओनली मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं, वो 10 है। तो टोटल पास कितने हुए, वो हुए 80%। 80% मैं वापस यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, मैं दोनों की बात नहीं कर रहा कि दोनों कितने पास हुए, मैं ये नहीं बोल रहा कि बूथ जो मैथ और इंग्लिश जिनके हाथों में दो लड्डू है, दो एक लड्डू है एक बर्फी, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्हें मिठाई मिली है, जिन्हें या तो लड्डू मिला है या बर्फी मिली है या फिर उन्हें दोनों मिला है, ये कौन से है, दो जिन्हें दोनों मिला है और जिनको बर्फी मिली है और क्या है जिनको लड्डू मिला है, ये 50 ये दोनों है, इसको क्या इनको क्या मिली है, इनको बर्फी मिली है और इनको क्या है इनको लड्डू मिले हैं, वो वाले हैं, और जो जिनको कुछ मिला ही नहीं है, जिनको कुछ मिला ही नहीं है, वो हमारे पास कितने प्रतिशत हो गए, अब वो हो गए 20%।
वो कितनी होगी, वो होगी 20%। मेरे भाई ध्यान दो, फिर से बता देता हूँ, ये 20 कौन सी है, ये ओनली इंग्लिश में पास होने वाली है, और ये क्या है, ये ओनली ओनली कितने किस में पास होने वाली है, ये पास होने वाली ओनली मैथ्स में, ये दोनों में पास होने वाली है, और टोटल जो पास है वो कितने हो गए, वो 80% पास हो गए। अब ध्यान दो फेल कितने हो गए, जो बिल्कुल ही फेल हो गए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल ही फेल हो गए, वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो कितने % आ गए मेरे भाइयों, वो 20% आ गए। ठीक है, इतना समझ में आया, तो बहुत अच्छी बात है। सुना सफी, आप बहुत अच्छे तरीके से समझने लग गई हो, आप कंफ्यूज मत हो ना यहाँ पे, कि सर आपने तो पहले बता दिया कि यहाँ पे 50% दोनों में पास हुए। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि वो तो ओनली और बूथ तीनों को ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अब वर्बली जो एग्जाम में सोल्व करेंगे वो दिमाग में यहाँ पे यूज करना है। मेरे को बताओ, मेरे को इतनी सी बात बता दो, आप इतना वहाँ पे नहीं करना एग्जाम में। अगर कोई जो क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, इसे नहीं हो रहा है, तो यूज़ कर सकते, वरना इसे यूज़ नहीं करना, ठीक है। अब ध्यान दो, मैं इतनी सी बात बोलूँ कि इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं, वो है 70%। कितने हैं, 70% है, और मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं, वो है 60%। और दोनों में पास होने वाले कितने हैं, बोथ मैथ्स और इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं, वो बोलोगे सर वो तो 50% आपने बताया है। अब ध्यान दो, मुझे बताओ ये 50% क्या है। आप कहोगे ये दोनों में पास होने वाले हैं, मुझे इतना सा बता दो केवल, आप मुझे इतना सा बता दो, क्या ये 50% इसमें भी है और उसमें है नहीं क्या है। आप कहोगे सर बिल्कुल है, इसमें भी पास होने वाले हैं, इन दोनों के कुछ बच्चे हमने बाहर निकाल लिए, कुछ स्टूडेंट हमने बाहर निकाल लिए, और जो बच्चे हैं जिनके हाथों में दो लड्डू था और बर्फी भी थी, वो क्या है, वो 50% है। कुछ नहीं करना, मुझे बताओ, अगर मैं इंग्लिश के प्लस में मैथ्स के जोड़ लूँ, अगर मैं इंग्लिश के और मैथ्स के जोड़ लूँ, इनमें से ये क्या है, इनका कॉमन ही है, ये क्या है, ये ध्यान रखना, दो बार रिपीट हुई है जो 50% है, बूथ वाले है, ये क्या है, ये दो बार रिपीट हुए है, क्योंकि हम इन दोनों में से क्या है, हम जो इंग्लिश में जो स्टूडेंट इंग्लिश में पास थे, जो मैथ्स में पास थे, वो हमने निकाल लिए, वो अलग कर दिए, ओनली इंग्लिश वाले अलग कर दिए, ओनली मैथ्स वाले अलग कर दिए, बट वो है वो बचे हुए है, वो क्या, ये तो हमने टोटल लिया, ये भी हमने टोटल लिया है, वह जो जो दो बार रिपीट हो गए, जो दो बार इसमें काउंट हो गए हैं, वो हमें इसमें क्या है, हमें घटाना पड़ेगा, वो क्या इसमें हमें घटाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, 130, ये केवल सेट स्टोरी है, वही हम यूज़ कर रहे हैं, केवल वर्बल कैसे यहाँ पे एग्जाम में कैसे करके सेट, और वो क्या है, लाइन लिखनी पड़ती है, तो वो टाइम कैसे बचा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 80 हो गया, ये क्या है, ये ध्यान रखना कि डायग्राम किसका है, ये पास का मैं बता रहा हूँ, ध्यान का ये क्या है, 5% बता रहा हूँ मैं, फेल का बाद में बताऊंगा मैं, पर ध्यान दो ये कितना हो गया, ये 80% क्या हो गए, ये किसी ना किसी में पास हुए हुए हैं, ये किसी, ये क्या है, ये किसी ना किसी में पास हुए हुए है, तो ये कितना हो गया पास। अब मुझे बताओ फेल कितने हो गए, फेल हो गए, वो हो गए, आप कितने बचे, 100 में से घटा दो, 20% क्या हो गए मेरे भाइयों, क्या हो गए, वो फेल हो गए। फिर से समझ लो मैंने इसमें क्या बताया है, 70% और 60% इंग्लिश और मैथ्स में क्या हुए, पास हुए है, जो हमें बूथ दिया हुआ है ये दो बार रिपीट हुए है, इनमें से ही निकाले हुए स्टूडेंट है, तो इसमें क्या हो गया, ये दो बार रिपीट हुए, तो दो बार रिपीट हुए उनको घटा दो, और बचे क्या, हमें एक एक लेना है, एक एक लेना है, तो वो कितने हो गए, वो 80% हो गए। ये क्या है, ये किसी ना किसी या तो इंग्लिश में पास हुए या मैथ में पास हुए या दोनों में पास हुए, वो स्टूडेंट हमारे पास आ गए, और फेल कितने हुए हैं, फेल 20% हुए हैं, और ये हमारा डायग्राम ये तैयार हो गया। बस अब जो भी दिया हुआ है वो आपके सामने होगा, क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, केवल आज एक ही क्वेश्चन करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन है वो अगले लेसन में कर लेंगे, ठीक है, जो अगला हम लेसन पढ़ेंगे उसमें क्वेश्चन कर लेंगे, बस जो आज इतना सा समझाया है केवल उसे समझने की कोशिश करो, वरना मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा तो जो इतना समझा है वो भी बाहर निकल जाएगा, इसलिए मेरा एम रहता है कि कम फटो बट अच्छा फटो, ठीक है। अब ध्यान दो, अब दो वीडियो भी लगातार देख सकते हो, कोई बात नहीं, बट एक वीडियो में क्या होता है कि आपको कुछ कुछ कम पढ़ने को मिले, मतलब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे 3 घंटे की वीडियो दूँ, मतलब ऐसे भी तो कर सकता था कि मैं 10 घंटे का वीडियो बना दूँ और परसेंटेज कंप्लीट, वो ध्यान रखना आप कुछ चीज़ें सीख नहीं पाओगे उससे, वो चीज़ें आप सीख नहीं पाओगे उसे, आप वो कन्फ्यूज होता है कि ये क्या बताया था, ये क्या बताया था, सभी भूल जाओगे, बट आप चैप्टर वाइज पढ़ते हो, जैसे मैं टाइप्स पढ़ाए उस टाइप पढ़ते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा उससे, ठीक है। आप अगर आपको यकीन नहीं आता तो अपना के देख लेना, ठीक है, आपको बार बार 15-15 घंटे की वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, उनको देखना एक दिन में, फिर मेरे लेसन टाइप वाइज देखना, फिर देखना कि आप किस तरह सीखते हो, आप खुद रियलाइज कर लोगे कि जो 15 घंटे वाले हैं वो तो केवल 15 घंटे खराब ही कर दिए हमने, कुछ ऐसा सीखने को नहीं मिला, ठीक है। अब ध्यान दो, मैं माना कि एक क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, वही ले लेते हैं, ज़रा कुछ में अंतर नहीं करेंगे। मान लो कि इंग्लिश में पास होने वाले, मैंने मान लिया कि इंग्लिश में पास होने वाले मैंने माने 70%, ठीक है। इस बार
इसको 60% देते हैं, 60%। सो मेंस में पास होने वाले हैं, जो मेंस में पास होने वाले हैं वो मैंने माना कितने हैं, 70%। जो दोनों में पास होने वाले हैं, जो दोनों में पास हुए वो मैंने मान लिया 40%। कितना मान लिया मैंने, 40%। अगर अगर फेल होने वाले व्यक्तियों की संख्या, या फिर जो स्टूडेंट है, अगर फेल होने वाले स्टूडेंट की जो संख्या है वो 200 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, ठीक, ये पूछा है क्वेश्चन, इतना सा पूछा है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नहीं मिलेगा क्योंकि ये मैंने खुद ने बनाया है, ठीक है, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नहीं मिलेगा। अब ध्यान दो, इंग्लिश 60% पास हुए मैथ्स में, एक तो तरीका ये होता है, एक तो आपके पास तरीका ये है, कुछ नहीं करना, वर्बली एग्जाम में सोल्व करना है वैसे कर लेना आपको, कि सर आपने बताया था कि 60% इंग्लिश में पास हुए है, उसमें इतना पास मैथ्स में पास हुए है, और कुछ नहीं, दोनों का कॉमन है वो घटा दो, और कितना हो गया, ये हो गया 130 में 40 घटाने के पास हमें बचाते 90। ये क्या है, ये किसी ना किसी में पास हुए है, और हमें दिया हुआ जो फेल है, फेल कितना प्रतिशत हो गया मेरे भाइयों, वो हो गया 10%, और 10% वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 200 दी हुई है, कितनी दी हुई है, 200 दी हुई है, और 10 अगर हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है, तो इसे 10 से मल्टीपल कर दो और इसे 10 से भी मल्टीपल कर दो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2000। कैसे किया मैंने, वापस समझ लो, मैंने ऐसा किया है कि जो इंग्लिश में पास होने वाले हैं, इंग्लिश में जो पास होने वाले हैं वो कितने मैंने माने, 60%। ये क्या है, ये जो मैथ्स में पास होने वाले हैं, और दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है मैंने घटा दिए, और ये कितने हो गया, और ये कितने आ गए, ये 90% पास होने वाले आ गए, 10% क्या हुए, इसका 90% किसी ना किसी में पास हुए, तो इसका मतलब 10% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि क्या हुए हैं, जो कि फेल हुए हैं दोनों में, ठीक है, तो दोनों में फेल होने वाले की संख्या हमें दी हुई है 200 है, तो क्या करना है, नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे इस क्लास में कितने हैं, तो कुछ नहीं करना, 100% निकाल लो, 100 का निकाल लो, 10 से मल्टीपल करोगे 10 से 100 आ जाएगा 100%, इसे फिर क्या कर दो, 10 से मल्टीपल कर दो, ठीक है, तो ये तरीका हुआ अपने पास। अब वेन आरेख से कैसे करते हैं, डायग्राम से कैसे करेंगे, इसे ध्यान दो, डायग्राम से ऐसे करेंगे, मान लो कि ये क्या है, ये हमारा इंग्लिश का है, और ये क्या है, ये हमारा मैथ्स का है, ये क्या है हमारा, ये हमारा मैथ्स का है, ठीक है, इतने से बात समझ में आई। अब ये बोल रहा है कि जो इंग्लिश में कितने प्रतिशत पास हुए, वो 60% पास हुए, और मैथ्स में कितने हुए, वो मैथ्स में 70% क्या हुए पास हुए, और दोनों में पास होने वाले कितने थे, वो 40% थे। अब मुझे बताओ, ओनली ये क्या है, ये इंग्लिश का डायग्राम है, और ये क्या है, ये मैथ्स का डायग्राम है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ओनली इंग्लिश में पास होने वाले कितने थे, कुछ नहीं करना, 60 में से 40 घटा दो, और ये बचे कितने, ये 20 बच गए, 20% लिख लो, या संख्या भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, 20% बच गए। मैं बोल रहा हूँ ओनली मैथ्स में पास होने वाले कितने थे, वो हो गए 30, वो कितने हो गए 30 हो गए, तो टोटल पास होने वाले कितने हो गए, जोड़ लो कितने हो गए, 90 हो गए, 20, 40, 30 कितने हो गए, 90% हो गए, और 90% क्या हो गए, ये पास होने वाले हो गए, ये क्या हो गए, ये पास होने वाले हो गए मेरे भाइयों। फेल होने वाले कितने हो गए, फिर फेल वाले 10% हो गए, और 10% की वैल्यू हमें कितने दी हुई है, वो दी हुई है 200। तो कुछ नहीं करना मेरे भाइयों, आंसर आपके सामने है, 100 का वैल्यू निकाल लो, और 100 का आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाइयों, वो हो जाएगा 2000, ठीक है, 2000। ये हुई हमारी वेन आरेख से। अब सेट स्टोरी कैसे करेंगे, सेट स्टोरी कुछ नहीं है, बस जो मैंने हमने वर्बली इसे सोल्व किया वही सेट स्टोरी है। ध्यान दो, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है ए यूनियन बी, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, जो इंग्लिश में पास हुई है मान लो 60% प्लस में जो 70% क्या है, जो मैथ्स में पास हुई है, और दोनों में पास होने वाले कितने हैं, 40 है, तो ये कितने हो गया, ये हो गया डायरेक्टली 130 में 90 हो गया, 90% क्या है, जो ए इंटरसेक्शन बी, जो किसी ना किसी में, सॉरी ए यूनियन बी, जो किसी ना किसी में पास हुई है, तो ये किसी ने पास की बात कर रही है, तो फेल कितने हो गए मेरे भाइयों, फेल हो गए 10%, कितने हो गए 10% फेल हो गए। अब बताओ मुझे 10% अगर फेल हुई है, तो फेल की वैल्यू हमें 200 दी हुई है, कुछ नहीं करना, इसे 10 से मल्टीपल कर दो, इसे भी 10 से मल्टीपल कर दो, और आंसर में मिल जाएगा 2000। कितना मिल जाएगा भाइयों, 2000 मिल जाएगा। 10 से मल्टीपल क्यों किया, मैंने बता दिया 100% की वैल्यू चाहिए हमें। तो आज के लिए ही इतना ही, एक ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, नेक्स्ट जो लेसन आएगा उसमें इसके अच्छे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे वाले क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़े इजी क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तो ठीक है, तो बाय, हैव ए नाइस डे।